सभी को नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ की, और उस कहानी की कथावस्तु, उस कहानी की क्या कहानी है उसके बारे में मैं आपको पिछली सीरीज में बता चुका हूँ। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि अगर कहानी के मूल संवेदना के बारे में अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो कहानी की कथावस्तु में वो चीज़ें छिपी हुई हैं जो मैंने आपको बताई। अब कहानी के तत्वों के आधार पर वर्णन की हम बात करें तो जो कहानी के तत्व हैं, उस कहानी का जो पहला तत्व है कथावस्तु, जिसके बारे में पिछली सीरीज में मैंने आपसे चर्चा की, अब हम चर्चा करेंगे कहानी के दूसरे तत्व की, पात्र एवं चरित्र चित्रण। इस कहानी में मुख्यतः तीन पात्र हैं, ठाकुर सरदार सिंह, दूसरा शराबी और तीसरा मधुआ। लेकिन यहाँ पर प्रसाद ने, प्रसाद की दृष्टि में इस कहानी का जो चरित्र उभर कर के आता है वो शराबी का है, क्योंकि ठाकुर सरदार सिंह के बारे में कहानी शुरू जरूर होती है लेकिन उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती। और फिर जो मधुआ है कहानी का, जो मुख्य जिसके ऊपर ये कहानी का नामकरण किया गया है, उसकी सारी बातें चलती हैं शराबी के पीछे। तो यहाँ पर शराबी किस तरह वो ठाकुर साहब को मनोरंजन करता है, किस तरह उनको मनोरंजन पूर्व कहानी सुनाता है, झूठ मूठ कहानियाँ सुनाता है, कभी वो गडरिया की कहानी सुनाता है, कभी एक लड़की की कहानी सुनाता है, कभी वो रंग महल में जो रानियाँ हैं उनकी विलासिता और उनकी परेशानी और उनकी कामुकता की कहानी सुनाता है, और कभी कोई नई कहानी, क्योंकि वो कहानी इसलिए सुनाता है कि उस कहानी को सुना करके उसे कुछ पैसा मिलता है और उस पैसे से वो अपना अपने शराब पी करके अपना समय पास करता है। दूसरा मधुआ के साथ, मधुआ की सिसकने की आवाज और मधुआ का शराबी को मिलना शराबी के जीवन का फोर बहुत बड़ा फेरबदल होता है। वो अपने मन की संवेदनाओं को जगा देता है शराबी की सिसकियां, और जो जिस चीज को लेकर के, उस शराब को लेकर के वो इतना खुश था कि आज उसे एक रुपये मिला है और उसे एक रुपये से भरपेट शराब पिएगा और चैन की नींद सोएगा। लेकिन उस बालक की सिसकियों ने उसे झकझोर दिया और उसको ऐसा झकझोरा कि जिस काम के लिए उसे एक रुपये मिला था उस काम को भूल जाता है जो उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, और मधुआ के लिए वो खाने पीने का बंदोबस्त करता है, उसके लिए पूरी और मिठाई लाता है, उसको खाना खिलाता है, अपनी कुटिया में उसे सुलाता है, सुबह उसे पूछता है कि तू गया नहीं, लेकिन जब वो मना करता है तो उसका हृदय और द्रवित हो जाता है, वो पूछता है कि कोई काम करेगा। मतलब एक शराबी जिसका धंधा दिन भर ये सोचना है कि मुझे शाम को पीने के लिए कहाँ से पैसा मिलेगा, और उस पैसे की जुगत में वो कहीं न कहीं जाता है और जाकर के जब उसको कुछ पैसा मिलता है तो अपना शराब पी करके फिर सो जाता है, फिर सुबह उठ करके उसका यही काम। लेकिन अब उसका मन बदल गया, उसका हृदय द्रवित हो गया, उसकी संवेदनाएं, मरी हुई संवेदनाएं जग जाती है, मानवीय भावनाएं उसकी आहत होती हैं, उस बच्चे को देख करके, उस बच्चे की बातों को सुनकर, और वो बच्चे से पूछता है कि कोई काम करेगा। बच्चा ठाकुर साहब की पिटाई नहीं खाना चाहता था, बेशक उसे कोई काम करना पड़ जाए, उसने कहा कि मैं जरूर काम करूंगा। और वो शराबी जो अपने दोस्त के यहां शान चढ़ाने का जो औजार रख करके आता है, वो लेने के लिए वहां जाता है, उसको लेकर के आता है और बच्चे को साथ लेकर के अपना धंधा शुरू करता है, अपना काम शुरू करता है, और वो शराब पीना छोड़ देता है। तो यहां पर जो चरित्र, मुख्य चरित्र है वो शराबी का है,
जिसने उस बालक की सिसकियों ने उस शराबी के भावों को, विचारों को बदल करके एक अच्छे आदमी की तरफ मोड़ दिया। जिस मुख्य धारा को वो वर्षों पहले छोड़ चुका था, वापिस उसने वही काम किया और समाज के अंदर एक खुशहाली की जिंदगी जीने का रास्ता जो वो छोड़ चुका था, वापस उसने उस बच्चे के लिए कहूँ या बच्चे के द्वारा कहूँ या बच्चे को देखकर उनकी उसके मन के अंदर उठने वाली जो आकांक्षाएं हैं उसकी उसकी उसके बारे में कहूँ, कैसे भी हो, लेकिन वो वापस उस धारा में आ जाता है जिस धारा को वो छोड़ चुका होता है और खुशी से वो जीवन बसर करता है। तो यहाँ पर पात्र तीन जरूर हैं, लेकिन मुख्य पात्र जो शराबी है, उस शराबी के बारे में प्रसाद ने विश्लेषण किया है और उस यथार्थ जीवन के बारे में बताने का प्रयास किया है जो वास्तव में एक सामान्य जीवन में, सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी मोड़ आता है। हो सकता है कि किसी दुख की वजह से वो अपने मुख्य काम को छोड़कर के कोई ऐसे गलत रास्ते पर चल गया हो, किसी के द्वारा दुख देने की वजह से या कोई दुखों का पहाड़ उसके ऊपर गिर जाने से वो भटक गया हो, लेकिन प्रसाद ये कहना चाहता है कि अगर कोई उसको सही रास्ता बताए तो निश्चित रूप से वापस उस डगर की तरफ आ सकता है जिस रास्ते से वो मुंह मोड़ चुका होता है। और ये इस कहानी में यही होता है, शराबी मुख्य धारा से हटने के बावजूद वापस उसी धारा में आता है और उसी धारा में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये इस कहानी के का जो पात्र है, पात्र और चरित्र चित्रण। अब तीसरा है इस कहानी का जो तत्व है, देश काल और वातावरण। देश काल वातावरण का मतलब होता है कि एक लेखक जब कहानी की रचना, किसी भी चीज की रचना करता है, तो उस रचना करने के पीछे उसका ये मकसद होता है कि जिस समय को लेकर के वो कोई रचना रचित कर रहा है, उस समय की स्थितियां या उस समय की परिस्थितियां, उस समय की मजबूरियां, उस समय की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियां या उस समय की और कोई घटना, जिस घटना को लेकर के वो अपनी ये कहानी की रचना करता है, ताकि पाठकों को वो बता सके कि जिस चीज की रचना उसने की है उस समय या उस वातावरण में, उस परिवेश में इस तरह का होता था। यहां पर मधुवा कहानी दासता के युग की अकर्मण्यता की कहानी है। एक तरफ तो संपन्न वर्ग है, दूसरी तरफ निम्न वर्ग है। संपन्न वर्ग के जाल में निम्न वर्ग इस तरह उलझ गया कि उसको अपना काम चलाने के लिए कर्जा लेना होता है और उस कर्जे के बोझ में वो इतना दब जाता है कि वो जीवन भर निकल नहीं पाता और उसको उस संपन्न वर्ग की अधीनता, उसकी दासता स्वीकार करनी होती है और अंत तक उसी दासता में, उसी अधीनता में अपना जीवन समाप्त कर लेता है। यहां पर दासता के युग की अकर्मण्यता की कहानी की रचना जरूर प्रसाद करता है, लेकिन बाद में जाकर के उस दासता से जागरूक भी करता है। दूसरा, उस समय जमींदार अपने मनोविनोद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए आदमी को सिर्फ मनोरंजन का साधन समझता था और अपने मनोरंजन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, ये बताने का प्रयास इस कहानी में प्रसाद ने किया है। दूसरा, उस समय के जो जमींदारी प्रथा थी, उस जमींदारी प्रथा के शोषण का क्या चित्र था, कैसे उनका शोषण किया जाता था और उन शोषण के पीछे उनको क्या दिया जाता था, ये दिखाने का उद्देश्य यहां पर जयशंकर प्रसाद का है। अंत में वो ये बताने का प्रयास भी करते हैं कि जब जिम्मेदारी आती है किसी मनुष्य के ऊपर, चाहे वो बेशक मुख्य धारा से भटक गया हो,
लेकिन जब समय बदलता है और कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है और जिम्मेदारी का जब उसे एहसास होता है तो वह व्यक्ति अकर्मण्यता से कर्मण्यता की तरफ चला जाता है। अर्थात एक दिन वो नाकारा था, लेकिन जब उसे जिम्मेदारी का एहसास होता है तो वो नाकारा से कर्मण्यता की तरफ, काम करने की तरफ उत्सुक होता है, वो कार्य की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। इस कहानी के जो पात्र हैं, ठाकुर सरदार सिंह, मधुआ और शराबी, ये उस समय के तत्कालीन समाज के जो जीवंत जो चित्रण है, उस जीवंत चित्रण और उस परिवेश में इस तरह की घटनाएं एक आम बात थी। उनका सजीव चित्रण इस कहानी में इन पात्रों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने करने का प्रयास किया है कि जमींदारी प्रथा इस तरह थी कि उसके दलदल में लोग फंसे चले जाते थे। दूसरा, बेगारी प्रथा इस तरह की थी कि उस बेगारी प्रथा के अंदर लोग जो फंसे चले जाते थे, उससे निकलते नहीं थे। यहां पर प्रसाद ने अंत में उस रास्ते से निकलने का एक रास्ता बताया और उस रास्ते से निकल करके वो मुख्य धारा में किस तरह मनुष्य वापस लौट करके आता है, ये बताने का इसमें प्रयास किया है। अगला, इस कहानी का जो कहानी के तत्व हैं, उस तत्वों में है संवाद या कथोकथन। वैसे तो कहानी की रचना संवादहीन भी हो सकती है, कोई अगर कहानी में संवाद नहीं भी हो तो कहानी संपूर्ण हो जाती है, कहानी को हम ये नहीं कह सकते वो कहानी अच्छी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि पाठक ये चाहता है कि उसके मन में जिज्ञासा बनी रहे, उबाऊ महसूस नहीं करे, बोरिंग महसूस नहीं करे, इसलिए वो ये चाहता है कि जिस कहानी को वो पढ़ रहा है उस कहानी में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वार्तालाप एक पात्र का दूसरे पात्र से होना चाहिए, जिससे उसकी रोचकता बनी रहती है, सजगता बनी रहती है। उसका मन करता है, पाठक का मन करता है कि आगे क्या होगा, एक जिज्ञासा उसके मन के अंदर बनी रहती है। तो इस कहानी के अंदर संवाद तो हैं और वो संवाद संक्षिप्त भी हैं, व्यवहारिक भी हैं, रोचक भी हैं, गतिशील भी है और नाटकीय गुणों से ओतप्रोत भी है। और वो संवाद इस तरह के हैं कि कहानी को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान तक भी ले जाते हैं और कहीं पाठक को बोरिंग महसूस नहीं होता, कहीं पाठक को ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं एक जगह रुक गया है। कहानी अपनी गति से आगे बढ़ती चली जाती है। एक शराबी और मधुआ के बीच की वार्तालाप को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। शराबी मधुआ से कहता है, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा। ये उस समय की बात है कि जब रात को शराबी मधुआ को खाना खिला देता है और उसको सुला देता है, और जब वो सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद में शराबी मधुआ से सवाल पूछता है, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा। मधुआ कहता है, कहीं नहीं, कर लो तो फिर क्या यहां जमा गड़ी है कि मैं खोद कर तुम्हें मिठाई खिलाता रहूंगा, तब कोई काम करना पड़ेगा। मधुआ कहता है, करूंगा, आप जो कहो। शराबी कहता है कि अच्छा, तो आज से मैं मेरे साथ साथ तुम्हें घूमना पड़ेगा, ये कल तेरे लिए लाया हूं, शान जिसके लिए कल शब्द का प्रयोग किया है, ये कल मैं तेरे लिए लाया हूं, चल आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा। तो इस प्रकार की जो संवाद योजना है वो संवाद योजना पात्रों के द्वारा समय और परिवेश को ध्यान में रखते हुए जयशंकर प्रसाद ने कहलवाई है, ताकि कहानी में गतिशीलता बनी रहे, रोचकता बनी रहे, कहानी अपनी निरंतर गति से चलती रहे। अब कहानी का जो अगला जो तत्व है, भाषा शैली।
यहाँ पर जो शब्दों का चयन किया है प्रसाद ने, कुछ शब्द संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रसाद ने काफी प्रयोग किया है। कुछ सरल तथा बोलचाल के जनसाधारण के शब्दों का प्रयोग किया है, जो मधुआ और शराबी के बीच की जो वार्तालाप है वो सामान्य शब्दों का प्रयोग, सरल भाषा का प्रयोग यहाँ पर प्रसाद ने किया है। कुछ जगह तद्भव और देशज, क्योंकि कहानी का जो चरित्र है वो ग्रामीण परिवेश से है और उस ग्रामीण परिवेश में उस समय बोली जाने वाली भाषा को पात्रों के मुख से कहलवाना चाहता है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इसलिए कहीं कहीं तत्सम और देशज शब्दों का प्रयोग भी पात्रों के अनुकूल किया है, जहां पात्र उनको लगा कि पात्रों के मुख से ये शब्द बुलवाना है, समय वो वातावरण वो परिस्थितियां वो चरित्र उस कहानी की कथा वस्तु, इन सबको ध्यान में रखते हुए जब प्रसाद को लगा कि किस जगह किस पात्र के मुख से क्या बात कहलवानी चाहिए और उसमें किन शब्दों का प्रयोग ताकि कहानी में रोचकता बनी रहे, पाठकों को ये नहीं लगे कि कहानी उस समय और परिवेश के अनुकूल है या नहीं है, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जयशंकर प्रसाद ने पात्रों के मुख से तत्सम देशज तद्भव और सरल तथा बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग उनके मुख से करवाया है। शैली की बात करें तो नाटकीय शैली कहानी के अंत में आती है, जहां पर शराबी का हृदय परिवर्तन होता है। बालक के बातों को लेकर के शराबी का हृदय परिवर्तन होता है और अपने वो शराब को छोड़ करके वो समाज की मुख्य धारा में आता है और वो अपने कार्य की तरफ बढ़ता चला जाता है, तो नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। स्वागत कथन, स्वागत कथन कहता है कि जब दो चरित्रों की वार्तालाप होती है, लेकिन एक चरित्र जो सामने वाले को कुछ कहना चाहता है कह नहीं पाता और अपने मन ही मन वो कुछ न कुछ उद्गार व्यक्त करता है अंदर ही अंदर, जिसको कहते हैं बड़बड़ाना, तो स्वागत कथन शैली का भी इसके अंदर प्रयोग किया गया है। भावात्मक शैली, संवेदना प्रकट करना, बालक की बातों को शराबी के ऊपर किस तरह जाहिर करवाना है, कैसे शराबी का हृदय परिवर्तन होता है, उनके मन की भाव संवेदनाएं कैसे जागृत हुई, तो यहां पर भावनात्मक शैली का भी प्रयोग जयशंकर प्रसाद ने किया है। मनोविश्लेषणात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली का मतलब होता है कि सामने जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं के बारे में मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप में विश्लेषण करना और विश्लेषण करके उसके निष्कर्ष तक पहुंचना। बालक की हाव-भाव और उसकी दशा को देख करके शराबी अपने आप में मनोविश्लेषण करता है और उस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि मुझे शराब छोड़ देनी चाहिए और उस बच्चे की खुशी के लिए मुझे अब कोई धंधा करना चाहिए, तो ये मनोविश्लेषणात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा वर्णनात्मक शैली, कई बार लेखक पात्रों के मुख से कोई बात नहीं कहलवाना चाहता और वो अपनी अपने ही मुख से अपनी ही कलम से उन सारी चीजों को लिखता है जो कहानी को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो यहाँ इस तरह की शैली का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर नाटकीय शैली, स्वगत शैली, भावात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली, इन शैलियों का प्रयोग जयशंकर प्रसाद ने कहानी मधुआ में किया है। अब इसका अंतिम जो तत्व है कि कहानी का उद्देश्य क्या है, यहाँ एक तरफ प्रसाद ये बताना चाहता है कि अभावग्रस्त व्यक्ति के मनोभावों एवं अनाथ बालक के शोषण उत्पीड़न उत्पीड़न का मार्मिक चित्रण एक तरफ ये कहना चाहता है कि किस प्रकार अभावग्रस्त व्यक्ति के भाव हाव भाव को किस तरह व्यक्त होते हैं वो हाव भाव, और कैसे उस बालक का शोषण और उत्पीड़न किया जाता है उसके साथ में, और इसके अलावा जमींदारों की असंवेदनशीलता तथा शराबी की मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करना भी यहाँ पर लेखक का उद्देश्य रहा है।
इसके अलावा कहानी का उद्देश्य ये भी बताता है कि मेहनत से कमाकर खाने को गौरव की बात बनाने की, मानने की प्रेरणा जागृत करना लेखक का एक उद्देश्य ये भी रहा है कि पेट कैसे भी भरा जा सकता है, लेकिन अगर खुद हाथ पैर चला करके एक अच्छे कार्य को करते हुए सुखी जिंदगी जीवन किस तरह व्यतीत कर सकता है व्यक्ति, और वो कैसे अपने गलत कार्यों को छोड़ सकता है, तो ये बताना भी यहाँ पर लेखक का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके अलावा मानवीय संवेदनाएं और आदर्श भावनाओं को बताना भी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य है कि किस तरह एक शराबी की भावनाएं, उसकी संवेदनाएं जागृत होती हैं और अपने गलत कार्यों को छोड़ करके वो समाज की मुख्य धारा में आता है और अपने पुराने धंधे को जो वो छोड़ चुका था, वापस खून पसीने की कमाई से मेहनत करके, हाथ पैर चला करके सुखी जीवन बसर करता है, गुजर करता है, ये बताना भी यहाँ पर लेखक का उद्देश्य है। इसके अलावा इस कहानी की जो मूल संवेदनाओं के अंदर हम बात करें, तो एक तो लेखक ही बताना चाहता है कि बुरे व्यसन, दुर्व्यसन कोई ऐसी चीज नहीं है कि मनुष्य चाहे तो उसे छोड़ नहीं सकता। बस कोई कारण ऐसा होना चाहिए, कोई परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए, कोई रास्ता ऐसा होना चाहिए कि उसे रास्ते, उस परिस्थिति या जिस कारण की वजह से उसकी तरफ विमुख होकर के वो सही रास्ते की तरफ आ सके। यहां शराबी का शराब छोड़ना, लेखक ये बताना चाहता है कि बुरे व्यसन को भी छोड़ा जा सकता है, त्यागा जा सकता है। दूसरी उसकी मूल संवेदना लेखक के द्वारा ये व्यक्त होती है कि शोषण का विरोध आवश्यक है। आप शोषित हैं, किसी भी मजबूरी वश आप शोषण की चक्की में पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन वो अंतहीन शोषण है। उस शोषण के विरुद्ध आपको आवाज उठानी पड़ेगी और जब आप आवाज उठाओगे तभी आप उस शोषण के कुचक्र से बाहर निकल पाओगे, ये बताना भी इस कहानी का मूल की मूल संवेदना है। तीसरा इस कहानी की मूल संवेदना ये निकलती है कि हृदय परिवर्तन आचरणगत सुधार से संभव है। मन के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं और भावों के उत्पन्न होने से संवेदनाएं जागृत होती हैं, और संवेदनाएं जागृत होने से उसके मन के अंदर छिपे हुए बुरे विचार, बुरे भाव वो निकलते हैं, उसका हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन होकर के उन सारी चीजों को छोड़कर मनुष्य कैसे अच्छे कार्यों की तरफ चला जाता है, तो ये बताना भी लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है। और सबसे बड़ा उद्देश्य मानवीय संवेदनाएं, जो मैं पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूं, मानवीय संवेदनाओं को बताना भी लेखक का उद्देश्य है कि मानव के अंदर संवेदनाएं होती हैं, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है, और वो जागृत अगर हो जाएं तो निश्चित रूप से बुरे कार्यों को छोड़कर के वो अच्छे कार्यों की तरफ अपने आप ही चला जाएगा, उसको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों ये है कहानी के तत्व, जिनके आधार पर मैंने मधुआ कहानी जो जयशंकर प्रसाद की है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी, और इस कड़ी में आगे हम चर्चा करेंगे इस कहानी का जो मुख्य चरित्र है शराबी, उस चरित्र का चरित्र चित्रण की क्या उस चरित्र के अंदर विशेषताएं हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, बाय।